हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी वीडियो मार्केट में मिलने वाले पाउडर्स के बारे में होगी, जिसमें से मैंने आज वाइट टोन पाउडर को लिया हुआ है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो पहले हम ये जान लेते हैं वाइट टोन पाउडर्स में क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका हमारे फेस पे क्या रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है टाल्क, दूसरा एल्युमिनियम स्टार्च, तीसरा कैल्शियम, मैग्नीशियम स्टीरेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, माइका, एल्युमिनियम, सिलिका, परफ्यूम, डाइमेथिकॉन। दोस्तों, ये पाउडर के बॉक्स के पीछे ये सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं, जिसके बारे में एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, इसके बेनिफिट्स और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं हमारी स्किन पे। सबसे पहले हम देखेंगे टाल्क। टाल्क यानी टैल्कम एक क्ले मटेरियल होता है जो कि स्किन की आउटर सरफेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बट अगर ये गलती से भी स्किन के अंदर कटी स्किन है अगर वहाँ पे चला गया तो इरिटेशन कॉज करता है। बाकी ये आउटर सरफेस के लिए परफेक्ट है। वहीं हम एल्युमिनियम स्टार्च की बात करें तो ये एक्सटर्नल सरफेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी स्किन की आउटर सरफेस के लिए, बट अगर ये गलती से भी बॉडी के इनर एरिया या अंदर चला गया तो ये न्यूरल टॉक्सिसिटी कॉज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि ये ओल्ड स्किन सेल को रिप्लेस करता है न्यू वन में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल है, बिकॉज ये काफ़ी सारी सनस्क्रीन में भी अप्लाई किया जाता है फॉर यूवी फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा माइका। अगर माइका की बात करें तो माइका की एबिलिटी होती है एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये पाउडर में मिलाया जाता है या किसी भी कॉस्मेटिक पाउडर में, तो माइका की वजह से ही एक नेचुरल लुक होता है, एक स्मूथनेस आती है स्किन में। उसके बाद आता है सिल्का। सिल्का की क्वालिटी ये होती है कि ये फाइन लाइन को मिनिमाइज करता है। उसके बाद आता है डाइमेथिकॉन, जो कि हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर स्किन मॉइस्चराइजिंग। सो गाइस, वाइट टोन पाउडर में प्रेजेंट जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो आपकी स्किन के आउटर सरफेस के लिए बेनिफिशियल हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करेंगे, ना कोई साइड इफेक्ट कॉज करेंगे। बट इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हर एक स्किन टोन पे सूट नहीं करता, और ज़्यादा स्वेटिंग वेदर हो, ज़्यादा गर्मी का दिन हो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो केमिकल्स में तो आउटर सरफेस के लेके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा ये इसकी फ्रेगनेंस ऑसम है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी सस्ते दाम में आपको अवेलेबल भी हो जाएगा, और ये मेकअप को सेट करने में भी हेल्प करता है, फ्लॉलेस स्किन बनाता है आपकी। बट हर एक स्किन टोन के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या लूँ, आप ज़रूर बताइएगा। तो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, वाइट टोन का ही एक प्रोडक्ट है उसकी क्रीम से रिलेटेड, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।